press the bell icon on the YouTube app and never. जो बहुत पढ़ा हुआ हो, शिक्षित हो, इंजीनियर डॉक्टर हो और फिर बाद में वो अपना इस्लाम का प्रीच भी करता हो, एक ऐसा मुअज्जिन बताइए जो दिन रात हॉस्पिटल में डॉक्टर बन करके वो पेशेंट देखता हो, वकील बन करके वो अपने केसेस देखता हो, इंजीनियर बन करके वो अपने अपने ऑफिस जाता हो, जज बन करके वो अपने अपने बेंच पर बैठता हो और अलग अलग विभिन्न प्रोफेसर बन करके के वो यूनिवर्सिटी जाता हो, लेकिन मौजिन बन करके फिर वो प्रोफेसर होते हुए भी मौजिन बन करके वो अजान देता हो अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, ऐसा मुझे 10-12 आदमी दिखा दीजिए। नहीं है, ये इनकी एक टोली है जो जाहिल है, जो जपट है, जो कमाने के लिए शिक्षक भी नहीं होना चाहते हैं और मेरे और आपकी तरह मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात स्ट्रगल करते हैं, हमने अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी जाया कर दी है डिग्री। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो बहादुर और सशक्त बेटियों को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंबर जैदी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों मुस्लिम बेटियां मिलके इस्लामिक जिहादियों और मजहब के ठेकेदारों को एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इस्लाम के हवाले से जो लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, इस्लाम के नाम पर जो पाकिस्तान बांग्लादेश बना, जो हालात आज हैं उसको देखकर आपको नहीं लगता कि भारतीय मुसलमानों को और खासतौर से भारतीय सरकार को बहुत सतर्कता का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि भारत को बड़ा खतरा है इस तरह की जो भी विरोधी ताकतें हैं उनसे। ऐसे में ये सारी जो एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, लगातार समय समय पर इस तरह की चीज़ें सामने आना, चाहे डॉक्यूमेंट 2047 की बात हो, गज़वे हिंद की बात हो, ये जो सोच है लगातार मजबूत हो रही है। क्या स्ट्रेटजी और भारतीय मुसलमानों का एक रोल होना चाहिए इसको कब करने के लिए? इसमें दो बातें अंबर आती हैं। ये जो जितने भी टेररिस्ट माइंडेड, जिहादी माइंडेड इस्लामिक प्रीचर और क्लेरिक्स हैं, इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोल करके रखा है, अलग अलग, कोई सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस तरीके की क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज करना इनकी अब खुशी नहीं बल्कि अब इनकी मजबूरी हो चुकी है। अब ये मजबूरी कैसे हो चुकी है? क्योंकि ये पढ़े लिखे होते नहीं है और इनको खटना मेहनत करना आता नहीं है। भीख में, चंदे में, फितरा में, जकात में पैसा इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 77 साल से भारत में कमा रही है और एक एक डर दिखा करती है कि ये इस्लाम, हम इस्लामिक लोग हैं, हम प्रीचर हैं, हम क्लेरिक हैं, हमको इज्जत भी दो और हमको भीख भी दो, हमको चंदा भी दो। मुझे भारत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कोई सामने आकर के दिखा दे जो भीख और चंदे पर ना चल रहा हो, जो फितरा और जकात पे ना चल रहा हो, जो डोनेशन पर ना चल रहा हो। आपको क्या, आप मुझे एक ऐसा क्लेरिक और प्रीचर बता दीजिए जो बहुत पढ़ा हुआ हो, शिक्षित हो, इंजीनियर डॉक्टर हो और फिर बाद में वो अपना इस्लाम का प्रीच भी करता हो। एक ऐसा मुअज्जिन बताइए जो दिन रात हॉस्पिटल में डॉक्टर बन करके वो पेशेंट देखता हो, वकील बन करके वो अपने केसेस देखता हो, इंजीनियर बन करके वो अपने अपने ऑफिस जाता हो, जज बन करके वो अपने अपने बेंच पर बैठता हो और अलग अलग विभिन्न प्रोफेसर बन करके के वो यूनिवर्सिटी जाता हो, लेकिन मौजिन बन करके फिर वो प्रोफेसर होते हुए भी मौजिन बन करके वो अजान देता हो अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, ऐसा मुझे 10-12 आदमी दिखा दीजिए। नहीं है, ये इनकी एक टोली है जो जाहिल है, जो जपट है, जो कमाने के लिए शिक्षक भी नहीं होना चाहते हैं और मेरे और आपकी तरह मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात स्ट्रगल करते हैं, हमने अपनी जिंदगी की आधी जिंदगी जाया कर दी है डिग्रियां लेने में और शिक्षित होने में, और आज भी एज अ जूनियर एडवोकेट ही कहला रहे हैं, आज भी आप भी सीख रही हैं उसके, तो हम मेहनत करके कमा रहे हैं। पर जो बुखारी साहब विस्तारा के बिजनेस क्लास में बैठते हैं, और मैं खुद इकोनॉमी में थी भाई, मैं खुद इकोनॉमी क्लास में थी और वो मेरे आगे बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे, वर्ग ए पर बैठे हुए थे वो, तो वो कैसे बैठ रहे हैं?
आज से 50 साल पहले बुखारी साहब की कौन से डिग्री थी और वो कौन से प्रोफेशनल में प्रोफेशनल डिग्री लेकर के वो कहीं पर काम कर रहे थे, पर आज बुखारी साहब के पास चार चार उनके खुद के रेस्टोरेंट्स है, हुक्का रेस्टोरेंट्स है भाई, हुक्का बार पब जैसे रेस्टोरेंट्स है। तो ये कहां से आया, ये भीख से आया है ना। तो ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ये इस्लाम को दिखा करके इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ जिहाद के नाम पर गला नहीं रेता जा रहा है, सिर्फ बलात्कार नहीं किया जा रहा है, या निकाह मसियार या मुत्ता या तीन तलाक नहीं किया जा रहा है, या हलाला या पॉलीगैमी नहीं किया जा रहा है, ये साथ साथ कमाई भी की जा रही है। आखिर कुरान के खिलाफ जा करके नौज़ु बिल्लाह ये मजारे क्यों खुली हुई है, क्योंकि ये कारोबार का जरिया है। मैं जब अजमेर शरीफ गई थी, मुझे याद है इंस्टाग्राम पे फोटो भी है कि मैं अजमेर शरीफ में धागा बांध रही हूँ, तो मुझे वहां के मुजाबिर ने कहा था, जो अशरफिया और चिश्तिया फैमिली से आते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ 18 लाख रुपया लगेगा, मैडम दे दीजिए, हम चांदी का गेट बना करके हम ख्वाजा के नजर कर देंगे। मैंने कहा 18 लाख रुपया लाऊं कहां से भैया, तो उन्होंने बताया कि ये देखिए लिस्ट में रजिस्टर में नाम है, इन्होंने 18 लाख रुपया भेजा है। मैंने कहा कितना चांदी का गेट लगता है यहाँ पर, जो 18 लाख रुपए सबसे चंदा उठा लिया। और जो चिश्तिया मुझे वहां पर उन्होंने जियारत करवाई, उनके पास BMW था, और मैं एड्रेस दे देती हूँ, फोन नंबर दे देती हूँ, जरूर जाना और जाकर के उनसे मिलना, वो आपको रिसीव करने के लिए आएंगे, वो BMW से आएंगे। जाहिल चौपट जिसको एक लाइन अंग्रेजी नहीं आती, जिसको सिर्फ उर्दू के अलावा कोई भाषा नहीं आती, जिसके पास किसी किस्म की कोई डिग्री तक नहीं है, वो BMW चला रहा है, उसके पास महल है अजमेर में। तो आप क्या ये लोग क्या सोच रहे हैं कि इस्लाम से भयभीत कर करके सिर्फ जिहाद के नाम पर क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है? नहीं, उनका कारोबार चल रहा है, फॉर गॉड्स सेक। जिहाद से एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, जिहाद के नाम पर जो कताल दुनिया भर में होता है और जिसको बहुत सारे लोग पॉपुलरली जिहाद के नाम पर, हालांकि जिहाद के बहुत सारे और भी मतलब है, लेकिन जो कताल होता है पर्टिकुलरली, आपको नहीं लगता कि इसको मुसलमानों को या जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, उनको इसको पूरी तरह से डिस्कार्ड करना चाहिए और पीसफुली कोएग्जिस्ट करने की जरूरत है? देखिए अमर, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट होकर के मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि इस देश की सरकार इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में या अरब में कोई दरखास्त जो है वो रखेगी, क्योंकि उनके ऊपर एक अलग से ही एलिगेशंस लगा हुआ है कि भाजपा की जो सरकार है वो बहुत सांप्रदायिक है, वो मुसलमानों से नफरत करती है। मैं भारतीय सरकार की बात नहीं कर रही हूँ नाजिया, मैं ओवरऑल जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मैं डीप डाउन से जा रही हूँ, मैं पूरा डेप्थ से जा रही हूँ, क्योंकि हम हमेशा अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अपेक्षाएं हमें उनसे ही होती है। तो जो कुछ राज्य सरकार में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो बेचारे तो कोर्ट में जाकर के बोल ही नहीं पा रहे, एक कावड़ यात्रा पर बोले थे तो उनको तो इतना मलाइन किया जा चुका है कि साथ साथ मैं भी पिस गई हूँ। अब आती है बात के केंद्र की सरकार ऐसे जिहादी दलों और जिहादी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ अगर एक भी बात रख देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खुर्शीद साहब ने ऐलानिया कह दिया है कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो मोदी जी के साथ भी हो सकता है, इट कैन बी हैपेंड विद भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो ये अब हम जैसे संवैधानिक मुसलमानों को करना पड़ेगा, मुझे और आपको एक पूरी टीम बना करके इंटरनेशनल कोर्ट में और सऊदी अरबिया में हम लोगों को जा करके इस बात को, यहाँ के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के पूरे चरित्र को खोल करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कोर्ट और सऊदी अरबिया में सिर्फ ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट ही जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूरी जानकारी ली है, आप देखिएगा कि अभी पिछले 2 महीने से ये जितने भी भारत के मुसलमान और मुस्लिम क्लेरिक और प्रेचर जो हैं, वो जो भी गैर मजहबी काम कर रहे हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर जो क्रिमिनल और जिहादी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको पोस्ट करते वक्त मैं अरब को टैग कर रही हूँ, मैंने बजाबते उनको मेल करके मैंने उनसे उनका ID लिया है, और वो ID ले करके उनसे मैंने कहा है कि मैं हर एक एक्टिविटी आपको टैग करूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अंबर, आप, मैं और कुछ ऐसी संवैधानिक मुस्लिम महिलाएं हम एक टीम बनाए
और टीम बना करके हम अरब और इंटरनेशनल कोर्ट को आगाह करें कि किस तरीके से इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम को भी बदनाम कर करके ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी एक्टिविटीज और अपने कारोबार को चला रहे हैं और गैर धर्मों को, दूसरे धर्मों को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई इस्लाम तो बहुत बुरा है, क्योंकि दूसरे धर्मों में तो यही संवाद जा रहा है ना कि इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सिर्फ क्राइम होता है। हालांकि हमारा इस्लाम बहुत खूबसूरत है, हमारा अल कुरान बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी मैसेज बहुत गंदा जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सामने आकर के करना पड़ेगा। हालांकि हम फिर मैं ऐड करूंगी, हालांकि हमें इंटरनेशनल कोर्ट और अरब तक पहुंचने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारा रेप करवाया जाए, हो सकता है कि हमारे मर्डर की स्ट्रेटेजी की जाए, हो सकता है कि हमारे ऊपर गुस्ताखे रसूल का ठप्पा लगाया जाए, हो सकता है कि हमारे घर में कुछ प्रदर्शन किया जाए, हो सकता है कि हमारी गाड़ियां तोड़ी फोड़ी जाए, हमारे आने जाने पर पीछा किया जाए, और वो कोई और नहीं करेगा, वो मुसलमान ही करेंगे, क्योंकि उनके राज हम खोलेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में और सऊदी अरबिया में, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है, और कहीं ना कहीं जब भी किसी बदलाव की हम शुरुआत को देखते हैं तो वो विद इन द कम्युनिटी हो तो ज्यादा बेहतर होता है। अगर सरकार की तरफ से किसी चीज को इम्पोज या एनफोर्स किया जाता है तो वो खासतौर से मुसलमानों को वो जुल्म लगता है। तो बेहतर है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ हमें कुछ कदम, कुछ इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है, जो कि हमारे जैसे मुसलमान ही कर सकते हैं। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंबर ज़ैदी जी और नाज़िया लाइक खान जी का ये पूरा डिस्कशन और इनके दमदार जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको काफी पसंद आए होंगे, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोज लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।